तो है दोस्तों, जानते हैं ये क्या है। यह बोट की तरफ से आना, बोट 181 प्रो टी डब्ल्यू ब्लूटूथ है। आप जानते हैं कितने मिला, ये फ्री मिला। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर इससे पहले आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मैंने अपना बताया कि मेरे पुराने टी डब्ल्यू के साथ क्या हुआ, तो वो वीडियो आप पता चल जाएगा। तो उसमें मैं ख़राब हो गया, तो मैं जब तो वारंटी क्लेम डाला, तो वारंटी क्लेम के टाइम उस टाइम वो 1.21 प्रो था नहीं उनके पास। तो इन्होंने 181 उनका एडवांस मॉडल, मतलब उससे भी ये करीबन 1500 रुपये का पड़ता है ये, और ये मेरे को उसके बदले मिला है क्योंकि उनके पास 121 प्रो नहीं था, उन्होंने 181 प्रो मिला है मेरे उसके बदले। कोई इसका ब्राउन कलर का है, अनबॉक्स ब्राउन कलर है इसका। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या प्रोडक्ट और कितना में फ़ायदा हुआ है, ये फ़ायदे में रहा हूँ कि नहीं। जहाँ तक फ़ायदे में रहा हूँ, क्योंकि 121 से 181 तो काफ़ी एडवांस हो गई और डिस्प्ले भी इसकी काफ़ी बड़ी है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मैं आपका मिस्टर खोलू और ट्रबल शूटर। तो चलिए इस वीडियो में क्या देखते हैं, जैसे आपने वीडियो देख लिया, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। आज के आएंगे हमारा क्या कहते हैं, बोट 181 प्रो। आपने पता चले किया होगा कैसा आया क्या नहीं आया, वीडियो देख ली होगी प्रीवियस, अभी थोड़ी वीडियो देख ली होगी इससे पहले, अगर नहीं देखी तब भी आप वीडियो देख लीजिए, अनबॉक्सिंग देख लीजिए। तो बॉक्स खोलते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिखता है, सबसे पहले कुछ यहाँ पे कागज़ है, जो इसका बिल होगा शायद ऐसे ही कुछ ऐसे ही होगा। स्टैंडर्ड प्रोसेस रीसेट ऑफ बोट एयरड्रॉप्स, मतलब इसको कैसे प्रोसेस करना है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है, वो सब सीन है बता रखा है। स्टैंडर्ड टेक प्लेस बर्ड इन साइड। अरे ये क्या है, ये तो डायरेक्ट ही खुल गया, क्यों जी इसका बॉक्स कहाँ गया, डायरेक्ट खुल गया, लिटरली डायरेक्ट खुल गया। इसका ऊपर का डब्बा कहाँ गया, माना कि ये चीज़ के अंदर आएगा ना, ये इसका ढक्कन होता ना सर, मैंने दिया नहीं तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट कर दिया था, मेरे को भी ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट वापस कर दिया क्या। वो डब्बा इसका कुछ बॉक्स होता है ना जिसके अंदर होता है, उन्हें तो ऐसे ही गिर जाएगा। ये जो भी है, ये तो नोटिस करने वाली बात है, ये क्या सीन है, ये क्या है। सबसे पहले जैसे आजूल जानते होंगे क्या है, ये एक ईयर टिप्स होंगे और डेटा केबल होगा। ईयर टिप्स भी दिए हैं, ये टिप्स हैं चार टाइप के, चार, और ये केबल टाइप सी केबल चार्ज करने के लिए। और क्या है नीचे, वापस स्टिकर आई थिंक दिए होंगे, हाँ फिर से वही स्टिकर, अलग थोड़े साथ इस टाइप नहीं, वो सेम स्टिकर है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, सारे स्टिकर हैं। ये स्टिकर थोड़ा अलग है और ये भी थोड़ा सेम, तो ये स्टिकर हो गया। और मैनुअल दिया, इसको मैनुअल कैसे यूज़ करना है, मैनुअल दिया। और इसका इसमें ये रहे हमारा मेन प्रोडक्ट, इसका नाम है, अगर इसका मॉडल दिखाऊं कैसे मैं, क्योंकि जो बॉक्स पे मॉडल नंबर लिखा होता है जिसमें मॉडल दिखता है वो पता नहीं चल रहा कौन सा है। मेरे को पता है 181 प्रो है ये, लेकिन जब तक मेरे को पता चलेगा बॉक्स के ऊपर तो कैसे पता चलेगा, तब भी आपको बता दे रहा हूँ ये 181 प्रो है। और देख सकते हैं इसका लुक, यहाँ पर सिल्वर टाइप की, आप कहते हैं ट्रांस, पता नहीं बिल्कुल शाइनिंग टाइप की शाइनिंग प्लेट, शाइनिंग वो प्लेटिंग है इसके ऊपर। और नीचे आपका ये क्या कहता है, मोन का पता नहीं, मेरे को पता नहीं एलमंड मोन का पता नहीं कौन सा कलर है ये, जिस कलर का मैंने मंगाया है। एक दूसरा कलर था लेवेंडर टाइप का, वो शायद जल्दी गंदा हो जाता, इसलिए मैं वो ना मंगा के मैंने ये मंगाया है। इसने इस पर कलर तो अच्छा लग रहा है वैसे, भाई जानते हैं पूरी डिस्प्ले है ये नहीं, ये डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको बैटरी भी दिखेगी और परसेंटेज, और नीचे टाइप सी चार्जिंग केबल है, चार्जिंग के लिए क्या है ऑप्शन, ओके इसको ऑन करके देता हूँ, डिस्प्ले जलती है कि नहीं, ऑन किया डिस्प्ले जल रही है, शायद आपको दिख रहा हो, दिख भी रहा हो, मुझे दिख रहा है लेकिन अभी अंधेरे में आपको कैमरे में कम ही दिखेगा, मुझे दिख पा रहा अच्छे से, आपको कम ही दिख पाएगा। अभी बैटरी दिखाऊँ तो बैटरी इसमें 83% बैटरी है, और लेफ्ट राइट, हाँ बैटरी, हाँ इसमें 83% बैटरी शो कर रही है। और यहाँ पे दो इंडिकेटर दिख रहे हैं, दो लाइन दिख रही है, यहाँ पे लेफ्ट वाले में आपको 3 लाइन दिख रही है, मतलब 3 मिनट की बैटरी फुल है, और इसमें 2 है इसकी बैटरी कम है। और नीचे देखा तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दे रखी है, मॉडल क्या, मॉडल कौन सा है, मॉडल एम एड 181 प्रो, वोल्टेज आउटपुट बैटरी कैपेसिटी, डिजाइंड इन इंडिया, असेंबल्ड इन चाइना, मतलब ये भी असेंबल में चाइना से ही, चाइनी की प्रोडक्ट है, चाहे कितना ही इंडिया बोल ले बनेगा चाइना में ही। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग है, यहाँ पे सर माइक है ये, और ये ब्राउन इसके टिप्स हैं, और यहाँ पे दो माइक हैं, माइक ऐसे तो माइक एक ही होगा, एक नॉइस कैंसलेशन के लिए शायद हो, और मैग्नेट, ये मैग्नेट कितने सही हैं देखे जाए, इसको मैं गिराऊँ तो गिर तो नहीं रहा,
क्या तुम्हें मैगनेट काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे गिरेंगे नहीं। और कान की फिटिंग से बात करूँ तो कान फिटिंग में कान लगा के देखूँ मैं तो कान की फिटिंग भी सही है, तो तोड़ने पे गिरने वाले तो नहीं है। बाप रे मैं मुंडी हल्के हल्के नहीं गिरे। हाँ काफ़ी अच्छी फिटिंग तो बहुत अच्छी है इसमें, फिटिंग कोई दिक्कत नहीं फिटिंग में। हो सके मैं अगर आपको बता दूंगा इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है मेरे को अपने हिसाब से, क्योंकि अदरवाइज मैं कितना भी बता दूँ मैं आर्टिस्ट नहीं है या फिर कोई जज नहीं कर सकता कि कैम ये कैसा है, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि ट्रेबल क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, पता नहीं क्या कि पिच कौन सी होती है, इतना आइडिया नहीं है। मैं वैसे बताया मेरे को अच्छे लग रहे हैं तो, और जानते हो क्यों मैंने मंगाए हैं और मेरे पास कौन से थे पहले, तो मेरे को ये अवेलेबल थे मैंने ये मंगा लिए थे और अच्छा है। और अगर मैं क्वालिटी आपको सुना भी दूँ माइक से, तो माइक से मेरे खुद की आवाज़ समझ नहीं आती है, तो वहाँ पर क्वालिटी क्या पता चलेगी आपको माइक से। इतना अच्छा माइक भी नहीं है और कम इतनी बात अच्छा कन्वे होता भी नहीं है साउंड। तो फिलहाल तो इस वीडियो में यही था, अगर आपको बैटरी बैकअप में होगा आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन पिन कर दूंगा या कमेंट पिन कर दूंगा। तो फिलहाल तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका मिस्टर कोलू, जय श्री राम, बोल बोले कि बम।